हम आज तुम्हें बजरंग बल की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बल की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बल की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बल की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। देवी अंजनी का केसर के संग में विवाह हुआ, पर बीता बहुत समय उनके कोई पुत्र नहीं हुआ। औलाद की खातिर दोनों ने ही तप किया भारी, हे प्रभु जी पूर्ण करो मन की ये इच्छा हमारी। फिर पूछा पवन ने अंजना से क्या इच्छा तुम्हारी, महलों को छोड़ के वन वन क्यों भटके मारी मारी। जाओ महलों को शिव शंकर भोले का ध्यान धरो, औलाद की इच्छा पूर्ण हो गया तुम निश्चिंत रहो। इस तरह से अंजन को वो सुख की राह बताते हैं, शंकर के चरणों में लगाया उन दोनों ने ध्यान। दिन रात वो दोनों करने लगे शिव भोले का गुणगान। शिव भोले ने फिर दर्श दिया बोले मांगो वरदान, कुछ और न चाहे बोले हमें दे दो औलाद का दान। तुम्हारे ही घर में जन्मेगा मेरा एक अंश अवतार, तीनों ही लोकों में गूंजेगी उसकी जय जयकार। फिर चैत्र शुक्ल की 15 को प्रभु लीला दिखलाए, माँ अंजनी के घर शिव अवतारी हनुमत थे आए। अंजना के संग में केसर भी शिव गुण को गाते हैं, खुशियाँ छाई थी कितनी पावन वेला। माँ अंजन की थी कोख से जन्मा बालक अलबेला, महलों में सज गए चहुदिश देखो थे वंदन वारे, घर घर में दीपों की माला से होते उजियारे। अनधन के देखो खुले हुए थे ऐसे भंडारे, लेने वाले लेते जाते देख बोल के जयकारे। बाबा केसर दोनों हाथों से धन धान लुटाए थे, मारे खुशियों के नैनों में आंसू भर आए थे। सब दिन दुखी मजबूर केसरी के गुण गाते हैं,
सुख थे दिखलाए, कुछ उग्र सा और कुछ चंचल सा वो स्वभाव थे पाए। एक दिन सोता हुआ छोड़ के मैया चली गई उपवन, बालाजी तब फिर नींद से उठे भूख से थे व्याकुल। फिर इधर उधर दृष्टि फेरी नहीं पाया कुछ भी पास, फिर उगते सूर्य को देखा सोचा फल है ये कोई खास। अंगड़ाई ली हुंकार भरी फिर उड़ चले नब की ओर, महलों में देखो मच गया त्राही त्राही माम कशोर। सभी नगर निवासी दांतों तले उंगली को दबाते हैं, सम्मुख तत्काल। एक हाथ से फिर सूरज पकड़ा और मुख में लिया था डाल। सारे ब्रह्मांड में भक्तों फिर अंधियारा छाया था, बालाजी की इस लीला को कोई जान न पाया था। सब जल चर वन चर नभ चर देखो हो गए थे हैरान, अभी अभी तो सूरज यहीं पे था कहाँ हो गया अंतर ध्यान। फिर सैन्य सहित इंद्र बालाजी के सम्मुख था आया, कौतुक देखा बालाजी का उसे क्रोध था चढ़ आया। मन ही मन बालाजी उन सब की हंसी उड़ाते हैं, बालक तू तत्काल। वरना बस एक प्रहार में आ जाएगा तेरा काल। सुन के इंद्र की बात बाला मंद मंद मुस्काए, फिर दिखा अंगूठा अपना इंद्र को मुख थे चिढ़ाए। इंद्र ने फिर एक बाण चलाया बालाजी की ओर, हवा में उसको लपका और दिया हाथों से तोड़। फिर और भी कई शक्तियां उसने तुम पर बरसाई, पर वो सब भी बालाजी का बल बांका न कर पाई। अब देखो इंद्र कैसे कैसे जोर लगाते हैं, शक्ति देखी वो मन में घबराया। बालाजी ने भी शक्ति का कौतूहल दिखलाया, ऐरावत को एक हाथ से पकड़ा और था घुमाया। एक प्रहार से देवेंद्र के रथ को तुमने तोड़ा, रथ के संग संग तुमने उसके अभिमान को भी तोड़ा। कुछ और नहीं सूझा तो हनु पे वज्र प्रहार किया,
हुए मूर्छित फिर भी सूर्य देव को मुक्त नहीं था किया। चकरा कर फिर बालाजी शिला पे गिर गिर जाते हैं। जब सुना पवन ने देवों से था ये सारा वृतांत, क्रोधित हो गए थे पवन देव और हो गए थे अशांत। मन ही मन में फिर पवन देव ने ये था ठान लिया, धीमे धीमे से प्राण वायु को अपनी थाम लिया। सारी सृष्टि धरती अंबर व्याकुल सा होने लगा, हर प्राणी श्वास न होने से शुद्ध बुद्ध था खोने लगा। तब देव उन मिलकर पवन देव को था ये समझाया, हम बालक से माफी मांगेंगे ये था बतलाया। फिर इंद्र सहित सब देव तुम्हारे पास को आते हैं। हाथ जोड़ के नतमस्तक हुए सब तुमरे आगे, बोले बालाजी माफ करो हम देव हैं अभागे। फिर सुन के विनती सूर्य देव को मुक्त था तुमने किया, सारी सृष्टि पर बालाजी उपकार था तुमने किया। ब्रह्मा जी ने खुश होकर तुमको ये वरदान दिया, ब्रह्म श्राप भी नहीं लगेगा तुमको ये ऐलान किया। फिर सूर्य देव ने अपने तेज का तुमको दान दिया, और वरुण देव ने पाश और जल से तुमको मान दिया। बालाजी सब देवों से मिलजुल वर को पाते हैं। यम बोले ये सदा ही मेरे दंड से दूर रहेगा, बोले कुबेर ये धन धान से सदा ही भरा रहेगा। विश्वकर्मा ने अस्त्रों शस्त्रों का तुमको दान दिया, और बोले शंकर ने कई शक्तियों का वरदान दिया। पर हनु पे पड़ा निशान कभी भी छूट न पाएगा, बालाजी की महिमा का सदा ये ध्यान दिलाएगा। हनु पे हुआ प्रहार तभी से हनुमत कहलाए, बालाजी भक्तों हनुमान का नाम तभी पाए। सब देव तमिल के बाला तुमरी जय जय बुलाते हैं।
सब देवों ने वरदान दिया और बोले ब्रह्मा जी बालक ये दीर्घायु होगा ये जान लो तुम सभी। इस युद्ध में कोई जान लो तुम सब हरा न पाएगा, रूप बदल कर जहाँ चाहे ये चला भी जाएगा। बड़ा यशस्वी बनकर होगा सबका हितकारी, देवों ने मिलकर बाला तुम्हारी जय जय पुकारी। लेकर सारी शक्तियाँ चल पड़े बाला महल की ओर, माँ अंजन की और केसर की तुम बांधने धीर की डोर। वो देखो बालाजी महलों को उड़ कर के आते हैं, श्रम था भेजा पर चंचल बाला का पढ़ने में मन ही नहीं था। गुरुकुल में भी उत्पात मचाया तुमने था भारी, चहुपोर था में भी उत्पात मचाया तुमने था भारी, चहुपोर था शोर मचाया और मचाई थी त्राही। ऋषियों ने क्रोधित होकर तुमको श्राप ये दे डाला, सभी शक्तियाँ अपनी भूल जाओगे तुम हनुमत बाला। कोई कभी जो तुम्हारी शक्ति तुम्हें फिर याद कराएगा, उसी समय हनुमत बाला तुम्हारा बल बढ़ जाएगा। इस तरह से वो सब तुमको शांति दूत बनाते हैं। फिर घर पे ही माँ अंजनी ने प्रारंभिक शिक्षा दी, तुम्हें रामचरित्र का ज्ञान दिया, प्रभु राम की दीक्षा दी। जब लिया राम का नाम तुमने आनंद था पाया, प्रभु राम का नाम ही अपने हृदय तुमने समाया। फिर माँ की प्रेरणा पाकर तुम गए सूर्य देव के पास, पाने को अनुपम ज्ञान अरूपाने को शिक्षा खास। फिर सूर्य देव से तुमने शिक्षा दीक्षा थी पाई, अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान लिया वेदों की सुध पाई। हनुमत बाला फिर गुरु चरण में शीश नवाते हैं, जपते थे और राम प्रभु के दर्शन को तेरे नैन तरसते थे। शिव शंकर से बोले मन ही मन लीला दिखलाओ, है मनवा मेरा व्याकुल राम के दर्शन करवाओ। शिव शंकर ने फिर मदार के था रूप को धार लिया,
हनुमान जति को वानर रूप में अपने साथ लिया। फिर डम 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 डमरु बजाते चले अयोध्या ओ, प्रभु राम का दर्शन पाएंगे मन मन में मनाते मो। लीला धारी अपनी लीला हम सबको दिखाते हैं, तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। राजा दशरथ के महल में जाकर डमरू बजाया और जोर से बोले शिव शंकर दर्मदार इक आया। फिर राम लखन और भरत शत्रुघ्न आ गए थे बाहर, राजा दशरथ भी रानी सहित आए थे निकल कर। वानर के रूप में बाला ने प्रभु राम का दर्श किया और मन ही मन प्रभु चरणन में तुमने प्रणाम किया। फिर कूद कूद कर उछल उछल कर खेल दिखाए थे, शिव भोले ने भी बालक राम के दर्शन पाए थे। राजा दशरथ भी रानियों के संग मोद मनाते हैं, पूर्ण हो गई। हनुमान जति की इच्छाएं संपूर्ण हो गई। अब खेल खत्म हुआ, वानर का सब वापस जाने लगे। वानर रूपी हनुमान के आंसू भर भर आने लगे। प्रभु राम से बोले मन ही मन वापस ना जाऊंगा, अगर साथ मिलाना तेरा तो मैं यही मर जाऊंगा। अपने भगत की बात को प्रभु राम ने जान लिया, इच्छा पूर्ण करने की मन ही मन में ठान लिया। अपने मन की इच्छा राम दशरथ से बताते हैं, इस मदारी को तुम ढेर सा पैसा दो।
और पैसे के बदले में मुझको ये वानर ले दो। दशरथ जी बोले इस वानर का क्या करोगे राम, ये निरही सावन चर तुम्हारे आएगा क्या काम। फिर राम जी बोले इस वानर को मैं तो पालूंगा, सुंदर सुंदर गहने इसके मैं गले में डालूंगा। ये सुनकर भोले बाबा भी मन मन में मुस्काए और आंखों ही आंखों में हनुमत को ये समझाए, अभी समय नहीं आया चलो हम वापस जाते हैं। शंकर की आज्ञा से हनुमत वापस आए, प्रभु राम चरण का अपने हृदय ध्यान वो लगाए। इसी तरह से धीरे धीरे कुछ समय था बीत गया, हनुमत बाला तो सूर्य देव का वादा चेत गया। सूर्य देव ने हनुमत से एक वचन भराया था, गुरु दक्षिण में हनुमत ने देखो शीश नवाया था। तुम युवा अवस्था में सुग्रीव के महल को जाओगे, बनकर उनका तुम सचिव अपना वादा निभाओगे। हनुमान जति तो गुरु को दिया वचन निभाते हैं। बाली सुग्रीव दो भाई थे, दो जिस्म थे पर एक जान, भाइयों की जोड़ी कोई नहीं थी उन दोनों के समान। गया युद्ध को बाली एक दिन तो फिर लौट के ना आया, सभी प्रजा जनों ने मिल सुग्रीव को राजा बनाया। थोड़े ही दिनों में बाली लौट के महलों को आया, देखा सुग्रीव को राजा मन में क्रोध था भर आया। सुग्रीव की पत्नी हरण करी और राज भी हत्याया, सुग्रीव कुमारन की खातिर वो रणभूमि आया। तुम शांत रहो बाली, हनुमत जी उसे समझाते हैं। के भैसे सुग्रीव ऋषिमुख पर्वत भाग गया, हनुमान सहित वो सेना भी कुछ लेकर साथ गया। शापित बाली ऋषिमुख पर्वत आ नहीं सकता था, सुग्रीव यहाँ पे निर्भय था बाली मार न सकता था। और उधर समय ने करवट बदली, बदली समय धारा, राजा बनना था राम न भटके वन मारा मारा। संग में थी पत्नी सीता और संग में थे लखन भाई,
फिर पंचवटी में रहने को एक कुटिया बनवाई। भगवान की लीला को हम सब कोई जान न पाते हैं। सीता के प्रति पापी रावण के मन में था मैल भरा। रानी मैं तुझे बनाऊं उसने मन में था ध्यान धरा। मारीच को कंचन मृग के रूप में कुटिया को भिजवाया। वो सोने का मृग सीता के मन को था अति भाया। वो बोली राम से मुझको वो सोने का मृग ला दो। मेरे मन की ये इच्छा प्रबल है पूरी करवा दो। फिर राम लखन दोनों ही मृग के पीछे चले गए। सीता को कुटिया में छोड़ अकेली दोनों ही चले गए। रावण ने हरण किया सीता का हम तुम्हें बताते हैं। हे जनक दुलारी की चिंता में राम लखन है राम। उस खोजन चल दिए थे दोनों रघुवंशी बलवान। फिर खोजते खोजते ऋषि मुख पर्वत के पास आए। देखा सुग्रीव ने दोनों को थे प्राण गले आए। कहीं बाली के ये दूत न हो मन ही मन घबराए। फिर दौड़ते दौड़ते हनुमत बालाजी के पास आए। जाओ पवन सुत जाकर इनका भेद निकालो तुम। संकट की आज घड़ी में मेरे प्राण बचा लो तुम। हनुमत बालाजी फिर सुग्रीव को धीर बंधाते हैं। फिर भेष बना ब्राह्मण का हनुमत पहुँचे उनके पास। देखा उनका रूप तेजस्वी बोले बन कर दास। को तुम श्यामल और गौर शरीरा हमको बतलाओ। यदि बुरा नहीं मानो तो अपना परिचय बतलाओ। दशरथ जी के हम पुत्र हमारा नाम है राम लखन। छल से किसी ने कर लिया है सीता जी का हरण। यदि तुम्हें पता है सीता का तो हमको बतलाओ। इस संकट की घड़ी में हमको रास्ता बतलाओ। हम सीता जी को खोजते खोजते भटकते जाते हैं।
फिर हाथ जोड़ कर हनुमान ने भेष उतार दिया। नतमस्तक हो प्रभु चरणन में दंडवत प्रणाम किया। बड़े प्रेम से राम प्रभु ने तुमको ऊपर था उठाया। फिर बड़े स्नेह के भाव से तुमको गले से था लगाया। बोले प्रभु जी माँ सीता की चिंता को तज दो तुम। वानर के राजा सुग्रीव से प्रभु करो मैत्री तुम। कांधे पे बिठा के दोनों को तुम उड़ चले आकाश। फिर पवन वेग से पहुंच गए थे तुम सुग्रीव के पास। इस तरह से हनुमान राम सुग्रीव की मैत्री कराते हैं। सुग्रीव ने राम प्रभु को अपनी व्यथा सुनाई। बाली मेरा दुश्मन है बना जो है मेरा बड़ा भाई। मेरी पत्नी का हरण किया मुझ महलों से बाहर किया। इतने पर भी नहीं चैन आया मेरे प्राणों के पीछे पड़ा। मैंने सुना तुम भक्तों के वत्सल हो प्रभु जी राम। दुखड़े अब मेरे दूर करो हर के बाली के प्राण। एक बाण से बाली को मारा सुग्रीव को राज दिया। सुग्रीव ने बदले में सीता की खोज का प्रण थकिया। इस भीड़ का मुखिया हनुमत बाला जी को बनाते हैं। राम मुद्रिका लेकर फिर हनुमान जी चल पड़े। ले संग में सेना दक्षिण दिशा की ओर थे वो बड़े। चलते चलते वो पहुंच गए सागर तट के पास। सीता की सुधी ना पाई थी सब मन ही मन थे उदास। फिर गिद्धराज संपाति ने था रास्ता बतलाया। सीता है जल्दि पार लंका में ये था बतलाया। इतने विशाल जल्दि को भला कोई कैसे पार करे। इस संकट की घड़ी में प्रभु ही बेड़ा पार करे। सभी वीर और रणधीर उपाय सोचन लग जाते हैं। हनुमान जी शाप के कारण से बैठे चुपचाप। फिर अंगद ने और जामवंत ने दिलाई शक्तियाँ। अब याद आई सब शक्तियाँ रूप बनाया विकराला। प्रभु राम का नाम लिया मन में और बोले फिर बाला। अब पवन वेग से उड़कर मैं लंका को जाऊंगा और मातसिया की सुधी को लेकर वापस आऊंगा। दिए जामवंत आ
आशीष तुम्हें, तुम सफल हो जाओगे, सीता की सुधी को पाओगे, प्रभु काज बनाओगे। देखो हनुमत बालाजी कैसी छलांग लगाते हैं, सागर को लांग के हनुमान जी पर्वत पर गए, लंका नगरी के सारे नजारे झट से समझ गए, रक्षा व्यवस्था रास्ते नगरी सब कुछ जान लिया, और युद्ध की दृष्टि से बाला ने सब पहचान लिया। फिर सूक्ष्म रूप में जो ही नगरी के द्वारे पहुँचे, वह द्वार पे लंकिनी ने पकड़ा और पूछा कहाँ चले, एक प्रहार से लंकिनी का तुमने था संहार किया, एक श्राप ग्रसित कन्या का बाला ने उद्धार किया। अब लंका में बालाजी देखो प्रवेश पाते हैं, तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं, हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं, बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं, हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। जी को ढूंढते फिरते थे हनुमत बाला, नाम अचानक पड़ा कान में राम कमत वाला, देखा था लंका नगरी में एक राम भक्त प्यारा, सोचा इसका परिचय ले लूं, ये कौन है मतवारा, आप कौन है राम की माला को जपने वाले, इस राक्षस नगरी में राम पूजा करने वाले, जैसे जिह्वा दांतों के बीच में जीती है जीवन, मैं रावण का भाई हूँ, नाम है मेरा विभीषण, फिर विभीषण भी हनुमत बाला का परिचय पाते हैं, पता बता दो तुम, कहाँ जाऊं कैसे जाऊं, मार्ग दिखला दो तुम,
अशोक वाटिका लंका में एक उपवन है भाई, वही अशोक के वृक्ष के नीचे है सीता माई। राम के नाम को जपती है दिन रात वो रोती है, जटा बन गए केश हुई मैली सी धोती है। अनजल के परित्याग से उनकी पीली हुई छटा, केसर नंदन ये सुनकर तो व्याकुल हो उठा। रोती आंखों विभीषण को गले लगाते हैं, पहुंच गए हनुमान। वृक्ष अशोक पे चढ़ बैठे जाकर वो करुणा निधान, देखा मात सिया को नैना आंसू भर आए, क्या कुछ कर डाले ये कुछ भी समझ नहीं आए। राम नाम जपती थी सीता देखो रोती थी, राम की याद में अपने नैनों को वो भिगोती थी। तभी वहां पर सैन्य सहित रावण था आ पहुंचा, आते ही वो रटने लगा देखो सीता सीता। सीता के नयन फिर दुख से देखो भर भर आते हैं, क्यों डरती हो उस वनवासी है तू इतने कष्ट क्यों सहती हो। मैं त्रिलोक का विजेता मेरी रानी बन जाओ, राम यहाँ ना आ पाएगा बात मान जाओ। मैं चाहता तो बल से तुझको ग्रहण कर लेता, पर मैं तेरा चाहने वाला जान ले ओ सीता। सुंदर सीता मान ले अब तो प्यार से मेरी बात, वरना इस खड़ग से तेरा शीश में दूंगा काट। रावण के ये वचन सीता के मन चुभ जाते हैं, क्रोध में भर आई। देख लिया बल तेरा तू है कितना बलदाई, था इतना बल तो मुझको क्यों छल से हर लाया। युद्ध में मुझको जीतता तो मैं जानू तेरी माया। राम के आने तक तू कर चाहे कितना प्रलाप, आते ही वो मिटा देंगे तेरे ये सारे पाप। सुन के वचन रावण के नयन जब लाल हो गए, राक्षस भी देखो सारे बेहाल हो गए।
रावण झूठे ही सीता पर रोब जमाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, जय महावीर हनुमान। हे राम भक्त हनुमान, जय महावीर हनुमान। क्रोध में भर कर बोला, सुन सीता तू मेरी बात। एक मास में बात न मानी, उतारू मौत के घाट। बोला त्रिजटा सीता को प्रलोभन दिखलाओ, चाहे डराओ या धमकाओ इसको समझाओ। तुम सबको भी एक महीना समय में देता हूँ, ध्यान से सुन लो बात मेरी, मैं ये कह देता हूँ। सीता ने जो ना मानी फिर भी ये मेरी बात, उसके सहित तुम सबको भी मैं उतारूं मौत के घाट। ये सब सुनकर पवन पुत्र व्याकुल हो जाते हैं। सीता राम को याद थी करने लगी, अपने नैनों में वो आंसू देखो थी भरने लगी। हनुमत ने प्रभु राम अंगूठी फेंकी उनके पास, देखी राम अंगूठी बंध गई सीता जी को हाथ। कूद के सीता सम्मुख आए बालाजी हनुमान, रावण की माया है ये कोई सीता गई थी मां। सीता की शंका को बाला पल में गए थे जान, रूप विराट बनाया बोले माँ मैं हूँ हनुमान। राम चरण का दास हूँ मैं, परिचय बतलाते हैं। खुश होकर फिर अजर अमर का दे डाला वरदान, चरणन शीश झुका के हनुमत ने था किया प्रणाम। बोले माता मैं थका हूँ, भूख है लग आई, आज्ञा अगर तुम्हारी हो तो फल खा लूं माई। ध्यान से खाना बेटा, यहाँ के निश्चर है विशाल, तुम हो पुत्र समान अपना रखना थोड़ा ख्याल। बोले हनुमत मेरी चिंता तज दो तुम माई, कष्ट मुझे क्या होगा जब है संग में रघुराई। जय श्री राम का घोष करे उत्पात मचाते हैं।
हलकाए और बहुत से नीचे फेंक दिए। अशोक वृक्ष को छोड़ के सारे जड़ से खींच दिए। कुछ ही देर में अशोक वाटिका लगने लगी उजाड़। हनुमान के हुंकारे से गूंजे सभी पहाड़। बड़े बड़े निश्चर से उनका भारी युद्ध हुआ। एक एक पापी उनके हाथों मौत के घाट गया। त्राही त्राही करते राक्षस महलों को भागे। हमें बचाओ शोर मचाए महलों के आगे। वानर आया शोर मचाते हैं। सहित वो अशोक वाटिका में जाकर पहुंचा। बोला कौन सवानर है जरा सम्मुख तो आए। अपनी करनी का फल मेरे हाथों से पाए। युद्ध हुआ भारी दोनों में भक्तों बारंबार। अपने बल से महावीर ने किया अक्षय संघार। समाचार ये सुनकर रावण विचलित हो आया। वानर में नहीं शक्ति इतनी कौन सी है माया। रावण ये जान के मन ही मन घबराते हैं। बोला बेटा मेघनाथ अब तुम उपवन जाओ। चाहे जिंदा चाहे मुर्दा वानर ले आओ। सैन्य सहित वन अशोक जा पहुंचा था मेघनाथ। कहां है वानर करने लगा प्रलाप। युद्ध हुआ दिखलाई हनुमत ने शक्ति भारी। चीटी की तरह मसल के रख दी थी सेना सारी। नागपाश में हनुमत को बांधा था इंद्र जी। कर अट्टहास महलों को वो जा पहुंचा था नीच। बंदी बना हनुमत को फिर दरबार ले जाते हैं। को बतलाओ वन में क्यों उत्पात मचाया आखिर समझाओ। राम दूत हूँ मैं रावण है नाम मेरा हनुमान। कहता हूँ मैं बात ये तुझसे सुन ले लगा के ध्यान। माँ सीता को आदर से प्रभु राम को दे आओ। अभय दान तुम राम प्रभु के हाथों से पाओ।
अन्यथा हम लंका की ईंट से ईंट बजा देंगे। तेरे दुष्कर्मों की राम जी तुझे सजा देंगे। ज्ञान की बात वो रावण को आखिर समझाते हैं। देखा दुस्साहस वानर का क्रोधित हुआ लंकेश, पूछ जला दो वानर की ये दिया था फिर आदेश। जो ही पूछ पे हनुमान की आग लगाई थी, जली पूछ से हनुमत ने फिर लंक जलाई थी। अपनी पूछ से सारी लंका में लगा दी आग, चारों तरफ त्राही त्राही चहु ओर है भागम भाग। सोने की लंका को पल में राख बनाया था, रावण की लंका में राम का डंका बजाया था। जाकर बीच समुद्र में पूछ की आग बुझाते हैं। आग बुझा कर पूछ की जा पहुँचे सीता के पास, बोले मैया हो प्रसन्न अब ना रहो तुम उदास। शीघ्र ही सैन्य सहित लंका में प्रभु जी आएंगे, रावण के आतंक से तुमको मुक्त कराएंगे। लाओ मुझको अपनी निशानी कुछ माता दे दो, जिससे आपसे भेंट हुई प्रभु राम को यकीन हो। जूड़ा मणि दिया सीता ने और दिया वरदान, हनुमत बाला उड़ चले चरणन में कर प्रणाम। जाकर राम प्रभु को सिय संदेश सुनाते हैं। आज तुम्हें बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। बजरंग बली की महिमा की एक झलक दिखाते हैं, पावन झलक दिखाते हैं। हम राम भक्त बजरंग बली की गाथा गाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हनुमान ने माँ सीता का प्रभु को दिया संदेश, राम जी ने भी फौरन था दिया युद्ध का फिर आदेश।
से तू बांधा सिंधु पर और सेना पार करी। रावण की लंका में छावनी फिर तैयार करी। अंगद को फिर दूत बना भेजा रावण के पास। रावण पापी जिद पे अड़ा करता था अट्टहास। रणभेरी थी बजने लगी हुआ युद्ध कथा ऐलान। आमने सामने आ गई सेना देखो सीना तान। झूठ और सच के युद्ध की तुमको झलक दिखाते हैं। लक्ष्मण मेघनाद दो योद्धा विकट बड़े भारी। ऐसा युद्ध हुआ दोनों में देख सृष्टि सारी। वीर घातिनी शक्ति से किया लक्ष्मण पे प्रहार। लक्ष्मण भूमि गिरे राम दल मच गया हाहाकार। वैद्य सुषेण को कांधे पे ले आए थे हनुमान। लाओ संजीवन जल्दी अगर चाहते हो लखन के प्राण। पवन वेग से उड़ चल बाला द्रोणगिरी की ओर। बाला तुम्हारे हाथ बंधी अब राम आस की डोर। हाय लक्ष्मण कह कह राम जी आंसू बहाते हैं। पहुंचे हनुमान। संजीवन बूटी है कौन सी नहीं सके थे जान। कुछ नहीं सूझा तो पूरा पर्वत उखाड़ डाला। एक हाथ में उसे उठा उड़ चले थे फिर बाला। जैसे ही पहुंचे अवधपुरी मारा था भरत ने तीर। हाय राम बोल के धरा पर गिर गए थे रणधीर। राम का नाम सुना तो भरत के आंसू भर आए। बोल क्षमा कर भाई हम तुम्हें जान नहीं पाए। अपने तीर बिठा बाला को लंका पहुंचाते हैं। जीवन के बल से लक्ष्मण होश में थे आए। कहाँ है पापी मेघनाद उठते ही चिल्लाए। अगले दिन फिर आमने सामने आ गए थे दोनों। युद्ध भूमि पे मेघ समान तो छा गए थे दोनों। एक बाण से मेघनाद का शीश उड़ा दिया। योद्धा कहते हैं किसे ये सबको बता दिया। कुंभकर्ण को भी पहुंचाया राम ने अपने धाम। रावण ने सोचा अब अहि रावण ही आए काम।
राम लखन को अही रावण पाताल ले जाते हैं। अही रावण के पीछे वाला पहुंच गए पताल, अही रावण संघार किया बाला तुमने तत्काल। सत्य असत्य के युद्ध की अंतिम घड़ी आ गई भक्तों, राम और रावण एक दूजे के सम्मुख थे भक्तों। शीश पे शीश कटे रावण के पापी मरा नहीं, महाशक्तियों के आगे राम की बिल्कुल डरा नहीं। तभी विभीषण ने आके बतलाई भेद की बात, अमृत कुंड है नाभि में इसकी ये जानो ना। घर भेदी लंका ढाए रावण कह जाते हैं। राम ने मारा नाभि में फिर साध के अग्नि बाण, बाण के चलते निकल गए पापी रावण के प्राण। देवों ने भी मिलके बुलाई जय हो जय श्री राम, रामचंद्र जी तुम्हारे चरण है शत शत मेरा प्रणाम। राम जी बोले जाओ हनुमत तुम सीता के पास, सोलह तुम श्रृंगार करा लाओ फिर मेरे पास। श्री रघुनंदन सीता जी संग अग्नि परीक्षा, सीता शुद्धि सबको लगी प्यारी। रामचंद्र और सीता चरण हम शीश नवाते हैं। विभीषण को लंका का राजा बना दिए भगवान, करो तैयारी चलने की नहीं देर करो हनुमान। पुष्पक विमान में बैठ कर अयोध्या चले भगवान, मार्ग में किष्किंधा देखा तो बोल पड़े हनुमान। आज्ञा हो तो माँ अंजनी के कर लूँ मैं दर्शन, राम जी बोले हम भी चलेंगे छूने माँ के चरण। बड़े प्यार और श्रद्धा से किए माता के दर्शन, रामचंद्र भी चरण झुके और कहने लगे ये वचन। माँ के दूध की शक्ति पुत्र के गुण बतलाते हैं।
दर्शन करके अंजन के फिर चले अयोध्या ओ। चारों दिशाओं गूंज रहा था जयकारों का शोर। राम जी बोले प्यारे हनुमान जाओ भरत के पास, मेरी याद में वन बैरागी बैठा होगा उदास। मेरे आने का संदेशा उसको बतलाओ, संकट की बेला में उसको धीरज बंधवाओ। जो आज्ञा हो प्रभु अभी मैं अयोध्या जाता हूँ, भाई भरत को यह संदेशा अभी सुनाता हूँ। ये कहकर हनुमत अयोध्या को उड़ जाते हैं। ब्राह्मण का फिर वेश बनाए बालाजी हनुमान, पहुँचे अयोध्या नगरी लेकिन रह गए वो हैरान। चिता सजा कर जलने को तैयार थे भरत कुमार, राम नाम की उल्हाना देते थे बारंबार। कुछ ही देर में यहाँ नहीं आए जो भैया राम, कसम आपके चरणों की तज दूंगा अपने प्राण। तुरंत ही हनुमत सामने आए और उतारा भेष, राम प्रभु के आने का फिर दिया उनको संदेश। भाई भरत फिर हनुमान को गले लगाते हैं।